नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे ओलावृष्टि पर पड़ रही सियासी दृष्टि की। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसके बाद अब इस जिस तरीके से पानी फेरा गया उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं अपनी सियासत की जो बिसात है वो बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी दावपेच जो हैं वो इस पर खेले जा रहे हैं, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं आरोप भी ये लग रहे हैं कि जो हर कदम राजनीतिक दल ले रहे हैं उसमें सियासत की बू आ रही है। अड़तालीस बरस के हरियाणा में विकास के नाम पर बहुत कुछ बदला। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगों को हरियाणा में पनाह दी गई, लेकिन प्रदेश और देश का पेट भरने वाले हरियाणा के किसानों की स्थिति आज भी वही है जो बरसों पहले थी। खेती में बेशक नई तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ गया हो, लेकिन किसान आज भी फसलों के लिए मौसम पर ही निर्भर है। हरियाणा की आधी से ज्यादा आबादी खेती करती है और यही वजह है कि राजनीति से लेकर समाज को भी किसान बेहद प्रभावित करते हैं, और शायद यही वजह है कि किसानों के मुद्दे को कोई भी सियासी दल भुनाने से पीछे नहीं रहता। हरियाणा के किसान पिछले कुछ दिनों से भूमि अधिग्रहण, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, यूरिया खाद से तो जूझ ही रहे थे, लेकिन अब बेमौसम बारिश ने किसानों की बची हुई मेहनत पर भी पानी फेर दिया और खराब फसलों से टूटी किसानों की कमर पर अब सियासी दल सहानुभूति का मरहम लगाते दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ऐसे ही हरियाणा के चार जिलों में किसानों का दुख दर्द बांटती नजर आई और पूर्व हुड्डा सरकार से मिले उचित मुआवजे की दलील देते हुए खट्टर सरकार पर जमकर बरसी। हुड्डा सरकार के जमाने में सही मुआवजा उनको मिला, मैं उम्मीद करती हूँ, हालांकि अपील करती हूँ हरियाणा सरकार को कि इस बार भी ये लोग किसानों फिर किसानों को खूब मदद करे और कम से कम सही मुआवजा दे। सोनिया गांधी के वार का पलटवार तो होना ही था। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने सोनिया गांधी के दौरे पर कहा कि सोनिया घड़ियाली आंसू बहा रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। अरे 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हरियाणा के किसानों को हुड्डा के राज में जिस तरह से लूटा गया, तब तो एक दिन नहीं बोली, सारा गुड़गांव दामाद के नाम कर दिया, तब भी एक मिनट नहीं बोली, और आज मगरमच्छी आंसू बहा रही है। तो बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस खुद भी किसानों के हित के खिलाफ रही है। किसानों के मुद्दे पर कई राज्यों में सोनिया गांधी के सियासी ग्रहण पर बीजेपी बिना कोई एक्शन लेने में पीछे नहीं रही। सियासी अधिग्रहण के बीच 22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी भी अब रेडियो के माध्यम से किसानों के मन की बात जानेंगे। पहले मौसमी तूफान और अब सियासी तूफान। एक तूफान ने तो किसानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये देखना होगा कि सियासी तूफान किसानों को आबाद कर पाता है या नहीं। हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं सियासी दावपेच जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ किसानों की जो मेहनत बर्बाद हुई उस दर्द पर, उस जख्म पर मरहम लगाने की बात कही जा रही है, तो राजनीतिक दावपेच खेलने से भी जो दल हैं वो पीछे नहीं है। इस बीच लगातार जो हमारे साथ कांग्रेस विधायक हैं वो यहाँ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। ललित जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ललित जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? फिलहाल लगातार हम कोशिश यहां कर रहे हैं बातचीत करने की, और एक बार फिर कोशिश करते हैं यहां पर ललित नागर जी से जुड़ने की। ललित नागर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ललित जी किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो वो सोनिया गांधी ने जो दौरा किया उसको ये कह रहा है कि एक राजनीतिक साजिश जो है वो है उसमें, और खुद कांग्रेस जो है वो किसानों की हितैषी नहीं रही है। आज हरियाणा प्रदेश का किसान पिछले महीने जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज हवाएं चलने से जो उसका नुकसान हुआ है
और नुकसान भी उन दिनों में हुआ है जब फसल की कटाई का समय आ रहा है, इतना भारी नुकसान हुआ है कि किसान सारा अपने खेत की तरफ बड़ी चिंता से देखता है कि पता नहीं ये जो भाजपा सरकार है ये मुझे कुछ मुआवजे के रूप में देगी या नहीं देगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरा दल या सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासत का मामला नहीं है, ये किसानों की लड़ाई का मामला है, उनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई का मामला है। बिल्कुल ललित जी, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की बात यहाँ कही जा रही है, लेकिन लगातार अगर हम बात करें बीजेपी की बात करें तो फिर चाहे अनिल विज हो या फिर जिस तरीके से रतनलाल कटारिया ने यहाँ अपना बयान दिया, क्या माना जाए जिस तरीके आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं? मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हमदर्द रही है, किसानों के भले के लिए हमेशा इन्होंने सोचा है। चाहे आप पिछला जो भूमि अधिग्रहण नियम बनाया था उसका उस समय भाजपा वालों ने और दूसरे दल ने भी उसका समर्थन किया था और उसकी सराहना की थी। आज ये जो भाजपा पार्टी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार हो या प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व की सरकार, दोनों ही ये किसान विरोधी सरकार है और ये व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है। जी। तो ये कहाँ किसानों के हित की बात करते हैं? अगर इन्होंने किसानों के हित की ही बात करनी थी तो आज एक महीना होने को जा रहा है, पिछले फरवरी के अंत में बारिश हुई थी, तब से और आज तक इन्होंने कभी भी गिरदावरी कराने के आदेश नहीं दिए। जी। आज किसी भी मुख्यालय पे आप पता कर लीजिए, जिले के पे कहीं भी विशेष गिरदावरी के अगर इन्होंने आदेश, हम तो इनको किसान के हितेशी मानते, अगर ये गिरदावरी के आदेश दे देते और मुआवजा डिक्लेयर कर देते। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब हमारा बजट शुरू हुआ था, शुरू के दिनों में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने महासदन के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, आप किसानों को कितना मुआवजा देंगे और कब देंगे बताए, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और उस विषय को लेकर हम सब ने सदन से वॉकआउट किया था। तब आनन फानन में माननीय कृषि मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी अपना हेलीकॉप्टर लेके उस दिन नारनौल क्षेत्रों में दौरा करके आए थे कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल ललित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इनेलो के नेता विजय गहलोत भी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने हुए हैं। विजय गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। गोपीचंद जी, अभी आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से ललित नागर जी कह रहे थे, कांग्रेस विधायक हैं तिगांव से, उनका ये कहना कि लगातार जो कांग्रेस है वो किसानों के हित की बात करते रही, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन विधानसभा की अगर बात की जाए तो इनेलो की तरफ से बयान सामने आया था कि कांग्रेस नहीं चाहती किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा की जाए। जहाँ तक किसानों के साथ ये हुआ है जी, ये पहला मर्तबा है कि जब किसान को अनेकों कठिनाइयां सहनी पड़ी हैं, ना समय पे बीज मिला, ना खाद मिली जी, ना बिजली मिली, उसके बाद भी कुदरत ने जो मार मारी, उस कुदरत के मार मारने पे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा, वो असहाय सा महसूस करने लगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे वक्त पे, आड़े वक्त पे सरकार उसके साथ खड़ी होती है और किसान के साथ, अब सरकार ने जब अपने साथ खड़ा नहीं पाया सरकार को, तो उनको बहुत ज्यादा महसूस हुआ है। और इस बात को लेके, जहाँ तक किसान की बात है, जहाँ तक कमेरे की बात है, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। ये केवल हेलीकॉप्टर से काम नहीं चलता, ये तो आप खेत के मेड पे जाके जब तक किसान से बात नहीं करोगे, उनके आंसू नहीं पहुंचोगे, उनकी आर्थिक मदद नहीं करोगे, तब तक ये वो नहीं चलता। ये मुआवजे वाला जो मामला था, ये जो देवीलाल जी ने शुरू किया था और सारे अफसरों को अपने साथ ले जाके वहीं पे कह के आते, बिल्कुल गोपीचंद जी बर्बाद होगी जी। जाहिर तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ से इस गिरदावरी की शुरुआत की गई, मुआवजे की शुरुआत की गई, लेकिन इस बीच हमारे साथ आप बता दें अंबाला शहर से विधायक हैं असीम गोयल जी, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो असीम जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? असीम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल संपर्क साधने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं असीम गोयल जी से लगातार, लेकिन हमारी जो आवाज है उन तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें हमारे साथ गोपीचंद जी जुड़े हुए हैं इनेलो से और कांग्रेस की ओर से ललित नागर जी
विधायक हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से दोनों ही जो दल हैं वो ये कहते हैं कि एक दूसरे पर जो राजनीतिक दाव पेच है वो खेले जाते हैं, यहाँ पर राजनीतिक बाण जो है वो छिड़ जाते हैं, लेकिन जो किसानों का दर्द है उसको समझने की कोशिश तो शायद हर कोई कर रहा है, लेकिन उस पर जो मरहम लगाने की बात कही जा रही है उसमें जो राजनीतिक जो रंग है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लगातार अगर बात की जाए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे इनेलो की हो, हर कोई इस पूरे मामले पर यहाँ पर किसानों की लेकर ये बात कर रहे हैं कि जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द देना चाहिए और तभी जाकर शायद जो किसानों के हित की बात है वो की जाएगी। लगातार जो मामला है वो यहाँ सामने आ रहा है। इनेलो से गोपीचंद गहलोत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपीचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे थे कहीं ना कहीं जो मुआवजे की अगर बात की जाए तो उससे पहले इनेलो ने एक पूर्व में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार मांग की जा रही है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। मांग करने में सबसे अग्रणीय है जी, और बल्कि हमने मांग की है कि मुआवजे की राशि, आज जिस तरह से लागत बढ़ी है और किसान जो है पट्टे पे लेके जो वो करता है वो भी 25,000 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ का है। हमने मांग की है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात ना हो, सही उसका आंकलन अब तक हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल आकलन यहाँ किया जाना चाहिए था। गोपीचंद जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। असीम गोयल जी बीजेपी से विधायक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असीम गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार जी। असीम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार किसानों की अगर हम यहाँ बात करें, जो फसल बर्बाद हुई ओलावृष्टि पर, अब उस पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार मुआवजे की जो मांग है वो उठ रही है। देखिए, हमारी सरकार इस विषय में बहुत ज्यादा गंभीर है जी। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को आदेश दिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य के वित्त मंत्री को आदेश दिए हैं। स्वयं कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, दो विधायकों को लेकर इस ओलावृष्टि का दौरा करके मैं स्वयं अपने क्षेत्र में गया हूँ। और हेलो जी, हेलो जी, असीम जी सुन पा रहे हैं हम आपको? असीम जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा बीच में ही टूट गया। असीम जी से दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश यहां करेंगे। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से सोनिया गांधी का जो दौरा हुआ 4 जिलों में, उस पर भी अब जो कहीं ना कहीं संग्राम है वो यहाँ लगभग देखने को मिल रहा है, क्योंकि सियासत की अगर बात की जाए, जो सियासी रोटियां हैं वो सेकी जा रही हैं किसानों के जख्मों पर भी। हालांकि मरहम लगाने की यहाँ बात कही जा रही है, हर एक दल ये कह रहा है कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो फसल बर्बाद हुई उसका कहीं ना कहीं गिरदावरी कराकर एक जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए दूसरे रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को कहीं ना कहीं सियासी माना जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासत चमकाने के लिए ही इस तरह का जो दौरा है सोनिया गांधी ने वो किया। फिलहाल सियासत में यहाँ रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254-1366-4243-4445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Oven chale jab senen senen, pani bahe jab aangan aangan.
हिले हिले जब मगन मगन गोपाराय मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सियासत में। आज हम यह बात कर रहे हैं किसानों की जिस तरीके से फसल बर्बाद हुई और ओलावृष्टि पर अब कहीं ना कहीं जो सियासी दृष्टि है वो पड़ रही है। हर एक राजनीतिक दल किसानों को अपना हितैषी यहाँ मानकर आगे चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों के को जो इस बार जख्म मिले हैं बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि पर, तो उन पर यहाँ पर मरहम लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन मरहम कैसे और कब लगेगा इसका अभी अंदाजा भी नहीं है। लगातार जो किसान है वो अपनी फसल को लेकर उम्मीद यहाँ रखे हुए थे, लेकिन बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने इस फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वहीं इसके बाद जो सियासी संग्राम है वो देखने को मिला किसानों के ऊपर। अगर आज की बात की जाए तो सोनिया गांधी ने यहाँ दौरा किया 4 जिलों का, जिनमें भिवानी, करनाल, झज्जर और रेवाड़ी शामिल थे, और इस दौरे को लेकर भी जो सियासी रोटियाँ हैं वो सिकनी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो उनका ये कहना कि यह है ये जो दौरा है महज एक दिखावा है। यहाँ तक कि रतनलाल कटारिया जो अक्सर अपने विवादों वाले बयान के लिए चर्चित हैं, उन्होंने यहाँ ये कहा कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इससे पहले भी कई विवादित बयान जो हैं वो रतनलाल कटारिया की ओर से सामने आ चुके हैं। हालांकि अनिल विज की अगर बात की जाए, अनिल विज का भी यही कहना था कि जो प्रदेश सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है किसानों के दर्द को समझने की, लेकिन क्या सिर्फ जो किसानों की स्थिति है, जो समस्या है, उस पर महज बयानबाजी करके क्या उस स्थिति को खत्म किया जा सकता है? आखिर क्यों प्रदेश में जो किसानों की हालत है उस पर राजनीति की जाती है? तमाम मुद्दे जो हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास से जुड़े हैं वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। और किसानों की अगर बात की जाए, किसान पिछले काफी समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कीजिए, खाद की कमी की बात कीजिए, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, या फिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो किसान हैं वो काफी परेशान रहे हैं। और इन मामलों को लेकर लगातार प्रदेश की जो सरकार है वो भी किसानों के निशाने पर रही है, और उसी का अब जो फायदा है शायद वो उठाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी का जो दौरा है सिर्फ एक सियासी दौरा है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को जरूरत है, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले ले रही है जिसका जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं। वहीं इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो का ये कहना था कि सबसे पहले जो इनेलो है उसने यहाँ पर मुआवजे की मांग की थी, और जो मुआवजा सरकार ने देने की बात कही थी उससे ज़्यादा राशि जो है वो देनी चाहिए, तभी जाकर कहीं जो किसान हैं उनको कुछ फायदा पहुँचेगा। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एच के सिंह साहब यहाँ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एच के सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों का जो दर्द है वो सबके सामने है, कहीं ना कहीं जो फसल बर्बाद हुई अब उस पर मरहम लगाने की बात आ रही है, और मरहम का जो रूप है वो मुआवजा माना जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक दल जो है वो प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो पिछले और जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, किसानों का दर्द नहीं समझ रहे, लेकिन अगर देखा जाए जो किसानों की स्थिति है उसमें कोई बदलाव होता नजर नहीं आता, किसानों की स्थिति अभी भी वही की वही है। नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है जी, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना सुविधा दिया जाता है जी, किसानों की स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ता वाली हो गई है जी। और आप देखें जिस प्रकार से अभी फसल बर्बाद हुआ है जी, बारिश के कारण बेमौसम बारिश हुई है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को और उसकी भरपाई होनी चाहिए जी। और जाहिर सी बात है सरकार ने कहा है कि हम देख रहे हैं करेंगे, लेकिन यथाशीघ्र भरपाई हो इससे किसानों को लाभ मिल सकता है, और केवल घड़ियाली आंसू बहाने से तो कुछ होता नहीं जी। किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, और सरकार जो है वो किसानों के बल पर यहाँ जीत कर आती है, लेकिन सरकार किसानों को भूल जा रही है। देखिए जो लैंड बिल था उसका भी वही हाल क्या कर रही है अभी बीजेपी जी।
उसके बाद में अभी देखें कि जहां कहीं भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहां होना चाहिए, अभी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए किसानों को उसके उसके जो भी प्रोड्यूस है उसका, वो भी नहीं हो पा रहा है। जबकि जो भी औद्योगिक जो भी गुड्स है उसका कीमत आप देख लीजिए, उसका प्राइस क्या किस ढंग से बढ़ रहा है, और उसी तरह से किसान के जो भी फसल है उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो इस देश में सबसे बड़ा जो व्यवस्था का भुक्तभोगी है वो किसान ही है, और किसानों की स्थिति दयनीय है। दूसरी बात, उनका जमीन आप छीनते जा रहे हो, छोटे छोटे किसान रह गए हैं, वो भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कि आप कर पा रहा है, ना नौकरी में व्यवस्था है, ना कोई सुविधा है, तो ये तो दुख की बात है। जहां तक सोनिया गांधी की बात है, तो इन्होंने भी किसानों के लिए क्या किया है जब सत्ता के बाद, चूंकि हरियाणा से इनका जमीन खिसक गया है, तो इसलिए हरियाणा में कोशिश कर रही है कि फिर से हम अपने जमीन को स्थापित करें, अपने 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 प्रभाव, इसलिए कोशिश हो रही है राजस्थान हरियाणा में। लेकिन जिस समय रहे शासन में उस समय तो पूरी लूट ही मची हुई थी देश में, पूरा देश देखा है क्या हुआ था कांग्रेस के समय में, और उसी का भोगना पड़ा है कांग्रेस को। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, लेकिन एक सवाल यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, हर जो मुद्दा होता है खासतौर से किसानों की अगर बात की जाए तो उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, राजनीतिक चश्मे से ही उस चीज को देखा जाता है। आखिर कब तक ये जो स्थिति है चलती रहेगी? किसानों को जो इंतजार था अच्छे दिनों का, आखिर वो कब होगा? नहीं, वो तो होना चाहिए ना, अच्छे दिन तो आने चाहिए किसानों के लिए, सरकार को उस पर कार्य करना चाहिए। राजनीतिक देखिए, समाज का एक अभिन्न अंग राजनीति भी है, तो चीजों पर राजनीति के माध्यम से ही एक तरह से दबाव बनता है और उसके बाद में कुछ कार्रवाई भी होती है जी। तो राजनीति को मैं बुरा नहीं मानता, राजनीति करे, लेकिन केवल राजनीति राजनीतिक स्वार्थोलुप्तता के लिए हो तो वो ठीक नहीं है। राजनीति अगर अगर समाज में लोगों के उत्थान के लिए हो, देश के विकास के लिए हो, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। सोनिया जी भी अगर कर रही है, अभी राजनीति भी मान लेते हैं, तो चलिए कम से कम एक चीज है कि इस मुद्दे को उठा तो रही है, संसद में तो ये मुद्दा आएगा और आगे आगे सरकार को देखना पड़ेगा, काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा। लेकिन यही चीज जब लोग सत्ता में होते हैं उस समय नहीं समझते, और सत्ता से बाहर आने के बाद में उनको दिखने लगता है, सारी समस्याएं दिखने लगती है। ये जो गैप है, ये गैप देश के विकास के रास्ते में एक बाधक है, चाहे कोई भी दल हो। तो सत्ता में आने के बाद भी सुविधा भोगी न होकर जनता से जुड़े रहना चाहिए सभी दलों को। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उनको समझना चाहिए कि आम आदमी की जो पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, उसको दूर किया जाए और उनके फसल का उचित कीमत भी दिया जाए, और अभी जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भी भरपाई की जाए। ये तो होना ही चाहिए। अगर गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाते हैं तो किसान भी तो गरीबी है, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। जाहिर तौर पर उम्मीद यहाँ यही की जा रही है कि कुछ ना कुछ जो कदम है वो उठा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एच के सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बरहम की बात यहाँ की जाती है, मुआवजे की बात की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं। किसानों का जो दर्द है, जो जख्म यहाँ किसानों को मिले हैं, उस पर मरहम लगाने की तो बात की जाती है, लेकिन ये मरहम कब तक और कैसे लगेगा, इसका जवाब शायद किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तो फिलहाल के लिए सियासत में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।